चार्ट के ऊपर आ चुके हैं एचएल में। चार्ट में देखिए, मैं कल दो दिनों से देख रहा था 900 को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं आज वीडियो बना देता, लेकिन कल मैं जो देखा था ये न्यूज़ की वजह से ऊपर की तरफ जाने लगा, तो मैं 915 में बाई कर लिया, लेकिन कोई कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं था इसलिए मैं वेट कर रहा था। आज मुझे लगा था ये 900 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और वीडियो बनाने से ये वाला जो ये जब ये क्रॉस करेगा तब तेज़ी आ जाएगा, लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट जितना बड़ा हुआ है ये बहुत ही ऊपर गैप अप खुल चुका है। देखिए, मैं अगर वीडियो बना भी देता इस लेवल पर तो आपको नहीं मिलता वैसे भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ खुल चुका है, 1000 के ऊपर ये खुला था। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये जो नीचे ये गैप बनाया हुआ है, ये गैप ये फिल कर सकता है, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ये गैप क्या आता है, देखिए 960 तक आता है, 960 तक ये नीचे आ सकता है। एक बात याद रखना, कल आपको देखना पड़ेगा ये 990 तक, ये अगर 990 को रेस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो इसमें तेज़ी बना रहेगा। अगर ये 960 तक आता है उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग को 960 में बाई करना है। तो कल दोनों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, 990 और 960, ये दोनों अगर 990 को ये रेस्पेक्ट कर लेता है तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर 960 तक आता है ये गैप फिल करने के लिए, जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ऊपर तक निकल सकता है। और दोनों के लिए इनिशियल टारगेट होने वाला है 1067, याद रखना 1067 क्यों इनिशियल टारगेट होने वाला है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1067 के ऊपर जब ये निकलेगा, 1067 के ऊपर जब ये निकलेगा इसमें भयंकर तेज़ी आने वाला है, याद रखना 1067 के जब ये ऊपर निकलेगा इसमें भयंकर तेज़ी आएगा, लेकिन 1067 तक इसको पहुंचना चाहिए, 1067 को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ इनिशियल टारगेट जो आप रखेंगे अगर आप बाई करते हैं तो 1067 आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए। 1067 को एक बार ये क्रॉस कर ले तो इसमें भयंकर तेज़ी आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है नहीं और रेजिस्टेंस भी बहुत ही कमज़ोर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है नहीं। तो मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ ट्रेड होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये वॉल्यूम जो है ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये गैप के ऊपर ये गैप अप ओपनिंग हुआ है, ये तो गैप फिल करने के लिए ये कल आ भी सकता है, तो आपको वो नज़र रखना पड़ेगा वो लेवल्स। आपको RSI दिखा होता है, ये ओवरबॉट जोन में फिर से जा चुका है, ये 70 के ऊपर हो चुका है और ये लगभग 80 के ऊपर होने की कोशिश भी करेगा, लेकिन ये गैप फिल करने के बाद ये ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं आपको MACD दिखाना चाहता हूँ, MACD में भी बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। एक बात याद रखना, ये जो ये ऊपर की तरफ ये जाने वाला है ये कन्फर्म है, क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आने वाला है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, बहुत ही संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा और आपका स्टॉप लॉस भी ठीक से रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो स्टॉप लॉस रखना है 950 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है, अगर आप 960 के आसपास ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम रखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा, वोलेटिलिटी के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बता रहा हूँ स्टॉप लॉस टाइट करके रखिए। अगर आपका ट्रेड मिस होता है, मिस होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1067 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, 1067 के ऊपर बहुत ही अच्छा तेज़ी मुझे नज़र आ रहा है। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।